नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका झा। नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था हर महीने बेरोजगार दृष्टिबाधित परिवारों को करती है राशन वितरण। नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था के महासचिव धर्म सिंह के अथक प्रयासों और शिव शक्ति एग्री फूड कंपनी की सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार दृष्टिबाधित परिवार जनों को सुचारू रूप से हर महीने राशन वितरित करती आ रही है और इस पुण्य कार्य में अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से दिल्ली के हर कोने से बेरोजगार दृष्टिबाधित परिवार जनों को प्रदान की जाती है। रसोई घर में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, मसाले, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट से लेकर टूथब्रश तक हर महीने दिया जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य आनंद गिरी जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेत्रहीन संस्था के महासचिव धर्म सिंह जो खुद दृष्टिबाधित होते हुए भी अपने दृष्टिबाधित परिवारों के लिए उनकी हर मदद के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इतने परिवारों का भरपेट भोजन करवाने की व्यवस्था कर पा रहे हैं। शिव शक्ति एग्री फूड कंपनी से आए गिरीश गुप्ता ने मीडिया समक्ष बताया, उनकी कंपनी 2013 से नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था के साथ जुड़कर आ रही है और हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर दृष्टिबाधित परिवार की जितनी ज्यादा मदद हो सके हम करने को तैयार हैं। नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था के महासचिव धर्म सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा यह मानना है कि भूखे पेट कोई काम नहीं होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार दृष्टिबाधित परिवार में कोई भूखा ना सोए। राशन वितरण के अलावा दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए उनकी आर्थिक रूप से मदद के अलावा दृष्टिबाधित को हर तरह की समस्या के लिए काम करते आ रहे हैं और हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम दिल्ली के हर दृष्टिबाधित परिवार के पास पहुंच सके ताकि आर्थिक रूप से राशन आपूर्ति की वजह से भूखा ना रह जाए। हमारे इस प्रयास से वंचित ना रहते हुए भी अपने परिवार का कम से कम पेट तो भर पाए, इस मुहिम को पूरी तरह से सार्थक करना ही हमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए मेरी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा हो सके वह सहयोग देने और सहयोग लेने के लिए आगे आए। राशन वितरण कार्यक्रम में आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संस्था के स्नेह काम के प्रति अपने अपने विचार विमर्श रखते हुए देश के लोगों से इस महान कार्य में आगे आने की अपील करते हुए कहा, आइए हम सब अपने कदम आगे बढ़ाएं। विकासशील देश बनाना है तो देश की सबसे पहली मूलभूत जरूरत हर भूखे इंसान के पेट की भूख को हम पहले मिटाएंगे, तभी हम विकासशील देश के नागरिक कहलाने के योग्य हो सकते हैं। दिल्ली से अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम 2013 से बिना किसी बाधा के ये कार्यक्रम चल रहा है और हम सबको खुशी है कि हम इसको चलाने में जो हमारा पब्लिक का जो सपोर्ट है वो जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ तक आगे चलाने की बात है तो पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहेगा और आगे हम चाहते हैं कि इसको 100 या 120 के आसपास लेके जाएं फिलहाल, और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और हमें खुशी है कि हम लोग इस काम में बहुत जल्दी सफल भी होंगे। जो सहायता करने वाले हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तन मन धन से सहायता करनी चाहिए और कहीं ना कहीं कहीं भी करें किंतु करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो संस्था का उद्देश्य है, जैसा कि मैं पिछली बार भी यही बता चुका था कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति दृष्टि ही बाधित है वो भूखा ना सोए, इसमें हमें बहुत सहायता चाहिए, बहुत आवश्यकता है काम करने की। तो उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। मेरा नाम आचार्य आनंद गिरी जी महाराज है, मैं मास्टर शक्ति पीठ का पीठाधीश्वर हूँ, जूना अखाड़े का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, ऋषिकेश में आश्रम में बाल योगी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, संत हूँ और समाज में आप लोगों के बीच पहुँच करके
धर्म की बात, धर्म मार्ग, सत्मार्ग, सत्कर्म करने की प्रार्थना भी करता रहता हूँ और आप लोगों से विनती भी करता रहता हूँ। नेत्रहीनों का एक संस्था है, वो लोग अपना प्रोग्राम करते हैं। हर महीने ये संगठन अपने नेत्रहीन साथियों को राशन वितरित करता है और उनकी बाकी समस्याएं सुनता है, उनके लिए दवा की व्यवस्था कराता है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराता है, उनकी नौकरी के लिए प्रयासरत रहता है। इसको चलाने वाले धर्म जी, मैं तो पहली बार मिला हूँ, आज मुझे बुलाया गया और मैं तो बड़ा धन्य हुआ इस ऐसी जगह पर आकर के, ऐसे लोगों के बीच में आकर के जो प्रभु का नेक कार्य वास्तव में कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा होना भी चाहिए, मुझे तो एक चीज़ लगी कि आँखों वालों से तो ज़्यादा अच्छे ये लोग हैं, जो नेत्रहीन होते हुए भी आपस में भाईचारा बरकरार है, एक दूसरे का सम्मान बरकरार है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की रोजी रोटी के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे अच्छी कृपा प्रभु की तो दूसरी हो भी नहीं सकती। मैं तो प्रभु से पूरी प्रार्थना करूँगा कि ये निरंतर चलता रहे, आदिकाल तक चलता रहे, आदि अनंत तक चलता रहे, क्योंकि ऐसे नेक काम की कभी एक्सपायरी डेट ना होती है ना ही होनी चाहिए। और मैं प्रभु से कृपा भी मांगूंगा यही कि सब चलता रहे, इन सब पे पूरी अपनी कृपा बनाए रखें कि सब लोग निरंतर चलता रहे और नेक कार्य होता रहे। ये संस्था जो है हम 2013 से चला रहे हैं और हमारी कंपनी जो है शिव शक्ति एग्री फूड, वो ये सब राशन प्रोवाइड करती है 80-85 आदमियों के लिए। जी, तो ये कब से आप मदद दे रहे हैं? 2013 से। 2013 से जी। तो आपको कैसे लगा कि इनको मदद करना चाहिए? बस एक जरिया हम जुड़े, इन लोगों से जुड़े, जुड़ करके पहले हमने सोचा था इनको खिलाने वाला सिस्टम, बिठा के खिलाएं, लेकिन फिर धर्म जी ने बोला बिठा के खिलाने से अच्छा है आप महीने का राशन प्रोवाइड कराइए। तो फिर कंपनी, हमारी जो कंपनी है शिव शक्ति एग्री फूड, वो फिर महीने का राशन इनको प्रोवाइड कराने लगी। तो ऐसा है कि लोग नए लोग हमारे जुड़ रहे हैं, हर बार कोई ना कोई आदमी जुड़ जाता है। एक सुबह आदमी आया, उन्होंने बोला निकल रहा था, मेरा फ्रेंड ही था, तो उसने छोटे जूस के पैकेट सबको सब लोगों को पिलाए। तो लोग अभी इस मंदिर में हमें 6 महीने हो गए प्रोग्राम करते हुए, उससे पहले गुरुद्वारे में करते थे, चेंज कर रहे थे, अभी परमानेंट हो गए, 7वां महीना ये। तो इस तरह लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कंट्रीब्यूशन करते हैं और हम इन्हीं में लगाते हैं, हमें कोई वो नहीं है कि करना है, हमारे अपने लिए कुछ करना है। इस बार कितना लोगों को आप ये दे पा रहे हैं? 87 हो गए जी इस बार, 86 लोगों को आप दे पा रहे हैं? हाँ, राशन दे रहे हैं, राशन दे पा रहे हैं। लास्ट टाइम 82 था, इस बार 86 हुआ। तो इस बार 4 परिवार और नए जुड़े हैं? हाँ, 4 परिवार नए जुड़े हैं। तो और ऐसा लगता है कि और इस अगले महीने में कुछ नए परिवार हो सकता है? ऊपर वाले ने चाहा तो 90 भी हो जाएंगे, 90 परिवार हो जाएंगे। हाँ जी, यानी हर महीना कहीं ना कहीं परिवारों की संख्या बढ़ रही है। कुछ टाइम हुआ है इस संस्था से जुड़े हुए और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस नए काम में आपके साथ सबसे सहयोग कर रहा हूं। और मैं ये मतलब कि सबसे विनती भी करना चाहूँगा हेडलाइंस इंडिया टुडे के माध्यम से कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ, क्योंकि इससे अच्छा नए काम कोई दुनिया में है ही नहीं है इन लोगों की मदद करना। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, आर्थिक रूप से जो सहायता कर सकते हैं कीजिए, आइए देखिए, ये बहुत ही मतलब कि एक अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है और नए काम करने के मौके भी ना बहुत मतलब कि मुश्किल से मिलते हैं। तो ये नए काम करने का मौका कभी भी आपको गंवाना नहीं चाहिए और आप सबको हमसे जुड़ना चाहिए। फैमिली आती है यहाँ मंदिर में, तो उनको पता चला यहाँ जो मंदिर को मैनेज करते हैं कि ये प्रोग्राम चलता है, और मैं इंडिया में नहीं रहता तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से उसके लिए हम हेल्प करें, या जो खाना खिलाया जाता है ब्लाइंड फैमिलीज़ को। अच्छा, तो ये कब से आपकी फैमिली इस तरह के प्रोग्राम को, खासतौर पर ये जो नेत्रहीन लोग हैं, इन लोगों के लिए कब से आपका परिवार मदद करते आ रहा है? इसको कुछ साल हो गए इनको करते हुए, थोड़े टाइम बाद पता चला। इससे पहले दूसरी जगहों पे दूसरे संस्थानों को हम मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी जितना कर सकते हैं, पर 2-4 साल से पता चला कि यहाँ पे भी ये संस्था है, तो अब इनको हम सपोर्ट करते हैं। तो आज आप यहाँ आए हैं, आपने आकर यहाँ देखा है कि वाकई में सच्चाई है, प्रोग्राम के लोगों को ज़रूरत है, तो आपके दिल में अब क्या आता है? अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इनको जो डेली बेसिस पे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं चाहूँगा मेरे जैसे और लोग भी आगे आएँ, और ऐसे ये कुछ फैमिलीज़ हैं, ऐसी बहुत लाखों फैमिलीज़ हैं इंडिया में, तो होपफुली पूरे इंडिया में इस टाइप की चीज़ें हों।